हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अफला चैनल। आज हम बनाने वाले हैं डिकाशन। डिकाशन से बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि सर्दी, जुकाम, सर दर्द कम होता है और डाइजेशन अच्छा होता है और इन्फेक्शन से यह हिफाजत, और आजकल जो कोरोना वायरस चल रहा है उससे यह भी हिफाजत में रहते हैं और माइंड भी फ्रेश रहता है डिकाशन पीने से। चलिए हम डिकाशन बनाना शुरू करते हैं। डिकाशन बनाने के लिए हमें चाहिए थोड़ी सी अदरक, जो कि मैं बारीकी से कट कर लिया है, और पुदीने के पत्ते और 3 लौंग, 1 दालचीनी का चकला छोटा सा, और 2 इलायची ली है छोटी सी, और 1 लेमन लिया है लास्ट में स्क्वीज़ करने के लिए, और 1 हाफ स्पून टी पाउडर लिया है चाय की पत्ती, और 1 से 2 टीस्पून शुगर चाहिए हमें। चलिए अब बनाना शुरू करते हैं। हम एक बाउल ले लिया है और स्टोव ऑन, फ्लेम ऑन कर दिया है। उसमें यह 2 कप पानी डाल रही हूँ, 2 कप वाटर। अब इस पानी में हम ये मसाले डाल देंगे, अदरक, लौंग, ये सब, इलायची ये सब डाल लेंगे, और थोड़े से यह पुदीने के पत्ते हम लास्ट में गार्निशिंग के लिए रख देंगे। इसको अच्छे से 1 से 2 मिनट के लिए बॉईल होने दीजिए, और 2 स्पून से शुगर डाल लीजिए। इसको अच्छे से बॉईल कर लीजिए। रेसिपी बराबर, आप अगर डाइट पे है तो, अगर आप शक्कर नहीं खाना नहीं पीना पसंद करते हैं, नहीं पीना, आप शक्कर के प्लेस में यह शहद भी डाल सकते हैं अगर आपको वह शक्कर पीना नहीं पसंद है तो। शक्कर से ज़्यादा शहद अच्छा फ़ायदा है। अब हम इसमें यह टी पाउडर डालेंगे और इसको अच्छे से बॉईल होने दीजिए। 1 से 2 मिनट्स के लिए इसको अच्छे से बॉईल कर लीजिए। चलिए अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे इस पे, और इस पर प्लेट बंद कर। तब तक के लिए हम यहाँ पर 2 कप्स में लेमन स्क्वीज कर रहे हैं। अब हम कप्स में डाल दें। और अब हम इसमें मिंट के पत्ते या पुदीने के पत्ते डाल देंगे। डिकाशन रेडी हो चुकी है। अब हम इसको वह गरम गरम ही सर्व करेंगे। चलिए मैं अब इसको वह टेस्ट कर बताऊंगी। ये बहुत ही मज़ेदार बनी है, आप प्लीज़ इसको ट्राई करिए। और प्लीज़ अगर आपको पसंद आई है इस डिकाशन की रेसिपी, तो आप इसको वह लाइक करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स को, और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।